आवर ग्लास शेप बहुत सारी फीमेल्स का ड्रीम होता है और हम ये सर्जरी बहुत कॉमनली करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। इसमें हम अनचाहे हिस्से से चर्बी हटा के मनचाहे हिस्से पे चर्बी डाल सकते हैं। बहुत बार ये सर्जरी हम और भी सर्जरीज के साथ कंबाइन करते हैं। इस वीडियो में मैं इसी सर्जरी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बतानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एस बी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब हम आवर ग्लास शेपिंग की बात करें तो दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम इसको BBL कहते हैं, मतलब ब्राजीलियन बट लिफ्ट। ये बहुत कॉमन सर्जरी है वर्ल्ड वाइड। कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत केसेस होते हैं इसके डेली और हम भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली इस सर्जरी को करते हैं। क्या होता है इस सर्जरी में? बेसिकली इसमें दो प्रोसेसेस हैं, पहला लाइपोसक्शन और दूसरा फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग मतलब हम चर्बी को किसी हिस्से में डाल रहे हैं। और जो बेस्ट चीज़ है इस सर्जरी की वो ये है कि इसमें कोई बड़ा कट नहीं होता। जैसे लाइपोसक्शन में हम छोटे छोटे कट से चर्बी निकालते हैं, वैसे ही इंजेक्शन के थ्रू हम बट वाले हिस्से में या हिप्स वाले हिस्से में उस चर्बी को डालते हैं और उस एरिया में हम उभार पा सकते हैं। जब हम बात करें इस प्रोसेस की तो बहुत बार पेशेंट्स के दिमाग में ये होता है और वो पढ़ के भी आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर ये तो लिखा हुआ है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है इस सर्जरी में, तो हम कैसे, हम तो चाहते हैं करवाना लेकिन रिस्क नहीं चाहते इस सर्जरी का, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, कभी भी हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हमें भली भांति समझ लेने चाहिए। मैं भी अपने पेशेंट्स को, मैं बिलीव करती हूँ कि अगर हम एजुकेट करेंगे उनको और अगर वो अवेयर रहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम उसके लिए पहले से ही केयरफुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स की। जैसे अगर हम पेयर शेप्ड बॉडी की बात करें जिसमें कि लोअर बॉडी हैवी होती है और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है, तो ये है पेयर शेप्ड बॉडी। एक होती है एप्पल शेप्ड बॉडी, मतलब कि जो सेंट्रल एरिया है वो बड़ा होता है और नीचे का एरिया जो है पतला होता है। यूजुअली एप्पल शेप्ड बॉडीज या जो स्ट्रेट प्रोफाइल वाली वेमेन होती हैं वो इसको प्रेफर करती हैं करवाना, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि कमर का जो हिस्सा है वो पतला हो जाए और नीचे हिप्स का हिस्सा जो है वो ब्रॉड हो जाए। यूजुअली क्यों ज़रूरत पड़ती है इस सर्जरी की? बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है या गर्ल्स को ये लगता है कि जब वो क्लोथ्स पहनती हैं तो उनको बहुत ही फ्लैट अपीयरेंस उनका आता है, जैसे बट का हिस्सा उनको लगता है कि जैसे जीन्स पहनती हैं अगर कि बहुत फ्लैट आ रहा है, या मान लीजिए इंडियन क्लोथ्स में भी उनको लगता है कि नीचे का हिस्सा जो है वो शेप नहीं दे रहा वैसा जैसा उनको चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लाइपोसक्शन करते हैं। बट किन एरियाज़ का लाइपोसक्शन हम कर सकते हैं? लाइपोसक्शन जब मैं BBL करती हूँ या आर ग्लास शेप बनाती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए, तो यूजुअली टमी का हिस्सा, फ्लैंक या साइड्स का हिस्सा, लोअर बैक और वेस्ट का एरिया, ये सारे एरियाज का लाइपोसक्शन हम करते हैं। और इन सब में इसको जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये एरिया श्रिंक कर जाता है, मतलब छोटा हो जाता है और एक शेप आने लगती है। जब हम ये एरिया छोटा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग फ्रेम है आपका वो ऑटोमेटिकली एक शेप में लगने लगता है। फिर एडिशनली जो फैट हम निकालते हैं उसको प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो बिल्कुल अच्छा हेल्दी गोल्डन फैट होता है वो हम निकालते हैं और उसी को हम फिल्टर करने के बाद, साफ करने के बाद इंजेक्ट करते हैं। अब जब हम इंजेक्ट करते हैं ये फैट, तो फैट ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में एक हीलिंग प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली हम फैट ग्राफ्टिंग और भी एरियाज़ के लिए करते हैं, जैसे कि जो हम फैट निकालते हैं वो हम ब्रेस्ट में डाल सकते हैं, फेस पे डाल सकते हैं, हैंड्स में डाल सकते हैं, बहुत सारे, मैंने पैरों तक में डाला हुआ है फैट। तो ऑब्वियसली हम जो भी हिस्सा जिसमें हमें लग रहा है कि फैट की कमी है या रिजुवनेशन चाहिए हम उसमें डाल सकते हैं। बट इस सर्जरी में हम हिप्स के हिस्से और बट के हिस्से में फैट डालते हैं। जब हम ये फैट डालते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक उभार सा आ जाता है, तो जो हमारा कर्व है वो वेस्ट के हिस्से में कम हो गया और हिप्स के हिस्से में बढ़ गया, तो ऑब्वियसली एक आर ग्लास शेपिंग हमारी मिल गई। अब इस सर्जरी के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेट के बल लेटें, आप कम से कम बैठें। कितने टाइम तक? यूजुअली 3 वीक्स का टाइम तो मैंडेटरी है कि आप ट्राई करें कि बहुत कम बैठें, या अगर बैठें तो एक पिलो आता है जो स्पेशलाइज पिलो होता है जिसको हम BBL पिलो कहते हैं, और उसमें थाई के नीचे ये पिलो हम रखते हैं और थाई के सपोर्ट से बैठते हैं। और या तो फिर आप ज़्यादातर काम जो है अपना खड़े होके या लेट के करें तो बेटर होगा, पेट के बल लेटना होता है इसमें। इसलिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स फिर ब्रेस्ट सर्जरी भी रिक्वेस्ट करते हैं इसके साथ। ब्रेस्ट सर्जरी हम इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट पर प्रेशर पड़ेगा और ये चीज़ हम कंबाइन नहीं कर सकते। ब्रेस्ट सर्जरी BBL सर्जरी से सेपरेट होना चाहिए।
अगर हम सिर्फ साइड्स में फैट डाल रहे हैं तो आप बेशक करवा सकते हैं ब्रेस्ट सर्जरी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप इन दो सर्जरीज को अलग रखें। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कंप्रेशन गारमेंट की। कंप्रेशन गारमेंट जैसे कि बाकी लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स में इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। जो बट का हिस्सा है जिसमें हमने फैट डाला है या हिप्स के हिस्से में डाला है फैट, उस एरिया में लाइट होता है कंप्रेशन या ना के बराबर होता है, और बाकी एरियाज में कंप्रेशन होता है। ये स्पेशलाइज्ड गारमेंट है जो कि पेशेंट्स ऑर्डर करते हैं और उसको पहनते हैं, और ये यूजुअली 6 वीक्स तक हम रिकमेंड करते हैं पहनना। 6 वीक्स के बाद आप जनरली मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। जो एरिया की टाइटनेस है वो कम होने लगती है, बॉडी सेटल करने लगती है, जो भी फैट हमने डाला है ऑफकोर्स कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, स्वेलिंग भी कम होगी और धीरे धीरे आपको एक प्लीजिंग फॉर्म और शेप मिलने लगेगा। तो BBL सर्जरी बहुत कॉमनली रिक्वेस्टेड सर्जरी है, लोग आर ग्लास शेप के लिए आते हैं और हम BBL सर्जरी के थ्रू ये अचीव करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका फ्रेम बहुत पतला है और आपका फैट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम कुछ एरिया से लाइपोसक्शन करके और कुछ फैट ऐड करके एक प्लीजिंग शेप अटेन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लीन पेशेंट्स में भी BBL सर्जरीज की हैं और वो इसे सेटिस्फाइड हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास फैट है और आपका लोअर फ्रेम, लोअर जो बॉडी का हिस्सा है वो पतला है, और आप एक साइजेबल इंक्रीज, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज चाह रहे हैं, तो इस सर्जरी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें ये करना है कि हम स्टेज वाइज करें। मतलब अगर हमें काफ़ी बड़ा फ्रेम चाहिए नीचे का तो हम इसको 2 प्रोसेस या 3 प्रोसेस में करें। यूजुअली 2 प्रोसेस में अच्छा रिजल्ट आ जाता है अगर हमें ज़्यादा बड़ा फ्रेम चाहिए तो। तो ये सर्जरी जो है हम बहुत कॉमनली करते हैं, सेटिस्फैक्शन रेट बहुत हाई है, अच्छी सर्जरी है, ज़्यादा निशान नहीं आते, हीलिंग टाइम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ऑफिस में काम करने वाले लोग भी आराम से सर्जरी को करवा सकते हैं 4-5 दिन की छुट्टी लेके, या अभी तो वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे ऑफिसेज में वैसे भी चल रहा है तो भी ये सर्जरीज बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं। तो आर ग्लास शेपिंग के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। अगर आपके क्वेश्चंस हो आर ग्लास शेपिंग पे आप हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम उनका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।